है, उज्जैन दर्शन करने आए थे। इधर पता चला कि इधर ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर और फिर बाद में मालूम पड़ा कि बोरेश्वर के महादेव के मंदिर दर्शन करने से बारह लिंग के दर्शन हो जाते हैं। हमको इच्छा हो गई बारह लिंग के दर्शन करने की, हम बोरेश्वर बारह लिंग के दर्शन करने आए। उधर हमको कोई मिल गया, उन्होंने हमको नालंदे नदी के दर्शन भी कराए, फिर चंबल नालंदे चंबल के दर्शन भी कराए। और उन्होंने बोला कि इधर से चारों दिशाओं में घूम के और मंदिर के चारों दिशाओं में नालंदा नदी घूमती है, चंबल नदी घूमती है, भगवान के चरणों में स्पर्श करके निकलती है। जय महादेव, जय महादेव। हम छत्तीसगढ़ से आए हैं, रायपुर जिले से। तो महाकाल ओंकारेश्वर के दर्शन करने के बाद कथा में भोरेश्वर महादेव मंदिर जो इनका ये है ना, तो काफी प्राचीन बताते हैं कि 5000 साल पुराना है। और इनके दर्शन करने से, अगर हम ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं किए 12 ज्योतिर्लिंग का, इनके दर्शन करने से 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूर्ण मान लिया जाता है। भगवान अद्भुत है, हमने दर्शन किया ना और उसको देख रहे हैं कि आप जितना भी जल उसमें डालो शिवलिंग में, उस जल कहाँ जाता है, जलहरी के ऊपर आता ही नहीं, ऊपर आता ही नहीं है। तो और चंबल नदी भगवान का परिक्रमा करते हुए है, आगे निकल जाती है, तो ये तो अद्भुत है, अद्भुत है। हाँ, इनका जो प्रचार प्रसार है कथा के माध्यम से द्वारा जहाँ भी कर रहे हैं ना, करते हैं, बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा, जगह बहुत अच्छा। चंबल नदी बोला ना, उसका चंबल वो बोलकर उज्जैन आए हुए थे महाकालेश्वर के दर्शन। दर्शन करने आए, सही में बहुत अच्छा है यहाँ पे। 12 ज्योतिर्लिंग के हमको स्वयंभू उसमें दर्शन हो जाते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। उसमें जो हम जल चढ़ाते हैं वो पता नहीं कहाँ जाता है, उसमें से बाहर नहीं आता है वो। और मतलब बहुत प्राचीन काल का वो मंदिर है, ये पांडवों के ज़माने का है और बहुत अच्छा है, मतलब दर्शन करने के साथ।